आपको अहम खबर दें, सेनेटर अब्दुल कादिर का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया। जिसकी तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया गया है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और सेनेट इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया गया है। जजिस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने के हवाले से ये जो बिल है इसे अब ऐवान में पेश कर दिया गया है। अपर हाउस में इस बिल को पेश किया गया है। सेनेटर अब्दुल कादिर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया है। जजिस की तादाद बढ़ाई जाए इस हवाले से ये बिल पेश किया गया है और ज़ेरे इल्तवा जो केसेस हैं उसकी बढ़ती तादाद के पेश नज़र जजिस की तादाद बढ़ाई जाए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया गया है। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से बिल जो है वो ऐवान में पेश किया गया है। कौमी असेंबली के बाद अब सेनेट में भी ये बिल पेश कर दिया गया है। बिल्कुल, सेनेटर अब्दुल कादिर ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज शामिल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेनेटर अब्दुल कादिर का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया है और बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेट का इजलास जिसमें सेनेटर अब्दुल कादिर का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज। सेनेट इजलास में बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज है और यह भी आपको बताएं कि सेनेट के इजलास में बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। तो आपको बता रहे हैं कि सेनेट का इजलास जारी है और बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है, नारेबाजी की गई और बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया है। सेनेट का इजलास जिसमें बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। जब बिल पेश किया गया तो ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। ऐवान में ऑपोजिशन की जानिब से नो नो के नारे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज। सेनेट इजलास बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। ऐवान में ऑपोजिशन की जानिब से नो नो के नारे लगाए गए। तो आपको बता रहे हैं कि जब बिल पेश किया जा रहा था तो उस पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और नो नो के नारे लगाए गए। ऐवान में ऑपोजिशन की जानिब से बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज थी और सेनेटर अब्दुल कादिर का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया गया। सेनेट इजलास बिल पेश किए जाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में ऑपोजिशन की जानिब से नो नो के नारे लगाए गए। डिप्टी बिरचिव इस्लामाबाद बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सेनेट इजलास की कार्रवाई का अहवाल जानते हैं। बेहजाद बताइएगा, बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। जी, सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के हवाले से तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया है जिसकी वजीर कानून ने हमायत की और कहा कि बिल मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई है। इस मौके पर सेनेटर अब्दुल कादिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 53,000 से ज्यादा मुकदमा जेरे इंतवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगवाने के लिए 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, इसलिए उन्होंने जजेस की तादाद में इजाफे के मुतल ये बिल पेश किया। उन्होंने कहा अगर चाहे जजेस की तादाद में ज्यादा इजाफा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चंद जजेस के इजाफे का ये बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि पहले ही मुल्क पर हजारों अरब रुपए का कर्जा है और इस हवाले से जो कई मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस जरिए तबाह हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर अभी अपने बिल के हवाले से नुकात पेश कर रहे थे जिसमें अपोजिशन ने ऐवान में नो नो के नारे लगाए और उन्होंने इस बिल की मुखालफत की, जिस पर अपोजिशन के एहतजाज पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा कि बगैर पढ़े बिल की मुखालफत कर देना बेहतर रवैया नहीं है। हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट में 10 जज बढ़ाने की दरखास्त आई है और हम वहां 10 जजेस जो हैं वो दे रहे हैं। अगर सेनेटर अब्दुल कादिर ने ये बिल पेश किया है तो उन पर उंगलियां उठाने की बजाय इस बिल को पढ़ना चाहिए और इस पर गौर के बाद जो है फैसला करना चाहिए। और उन्होंने दोबारा से चेयरमैन से इस्तदा किया है कि इस बिल को मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। इस बिल पर अभी अरकान अपना ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं।
ठीक है बहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सेनेट का इजलास सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में बिल पेश किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से नो नो के नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात लगवाने के लिए 1.5-2 साल लग जाते हैं। आईनी केसेस बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से कहा गया। बहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।